अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 26। आज के इस लेसन में हम देखेंगे फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट डायमेंशनल टूल बार। तो डायमेंशनल टूल बार हमने पहले भी एक बार की थी, दोबारा से कर रहे हैं, और जो पहले की थी उसमें कुछ काम हमने टूल कुछ ना कुछ टूल्स रह गए थे पहले वाली से, तो वो आज हम करेंगे। उसके बाद लीडर, क्विक लीडर क्या होता है, टॉलरेंस क्या होता है, सेंटर मार्क, डायमेंशनल एडिट, डायमेंशनल टेक्स्ट एडिट एंड डायमेंशनल अपडेट, डायमेंशनल स्टाइल। तो आज लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, ये क्या होते हैं, इन पे काम कैसे किया जाता है। तो उसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। तो आज के लेसन में हमने डायमेंशन के ऊपर काम करना है। तो डायमेंशन एक तो हमारे पास यहाँ पे ये एनुएशंस पे हमारे पास यहाँ पे डायमेंशन है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एनुएट्स पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे भी डायमेंशन है, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और मल्टी लेडर क्या होता है, क्विक लेडर, इनके ऊपर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में देखेंगे और नेक्स्ट लेसन में काम करेंगे। ये होता क्या है, स्केल लिस्ट, इनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे क्या क्या चीज़ें। ओके, तो डायमेंशन के लिए मैं एल एंटर करता हूँ। अब डायमेंशन में क्या क्या चीज़ें हैं, जी सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी पर्पज़ ऑफ क्विक लीडर आ जाता है। क्विक लीडर क्या होता है, तो क्विक लीडर होता है आपका कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एरिया या कोई मैं एक रेक्टेंगल फॉर एग्जांपल ड्रॉ करता हूँ, इस रेक्टेंगल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कि सर्कल आ गया जी, एक और सर्कल आ गया फॉर एग्जाम्पल, और इसको आप नाम देते हैं अलग अलग से हर एक चीज़ को। एक यहाँ से ड्रॉ में जाता हूँ और देखता हूँ जी और कौन कौन सी चीज़ें, और इसके अलावा एक हैच आ गया या फिर वाइप आउट आ गया, लाइन, एक आर्क आ गई फॉर एग्जांपल, 3 पॉइंट आर्क आ गई। ओके, तो ये कुछ चीज़ें फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गई, एक रेक्टेंगल और आ गया। तो अब इन सब के सब को आप यहाँ से देखना चाह रहे हैं, इनको ऐड करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप क्विक लीडर यूज़ करते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्विक लीडर पे क्लिक करता हूँ, लीडर पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ और मैं लिखता हूँ इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है। जो ही मैंने यहाँ पे कर्सर रखी, तो यहाँ पे देखें स्पेस आ गया हमारे पास, तो मैं ये लिखता हूँ इसके बारे में, ये क्या जी, सर्कल, सर्कल है। आप जब एंटर करेंगे या फिर क्लिक करेंगे तो देखें वो हाइड हो गया और सर्कल यहाँ पे लिखा हुआ गया। तो ये लीडर होता है, हर चीज़ को आपने मेंशन करना है तो आप उसके लिए क्विक लीडर यूज़ कर सकते हैं। और ऐड लीडर पे क्लिक करता हूँ तो मैं एक और फॉर एग्जांपल इसके ऊपर एक और लीडर ऐड करना चाह रहा हूँ, इसी के ऊपर लिखना चाह रहा हूँ, या यहाँ पे मैं जस्ट क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे देखें तो इसके कॉर्नर से जहाँ से ये जो इसका कॉर्नर है, इस कॉर्नर से एक और मेरे पास देखें लिखा हुआ आ गया। अब इसमें कुछ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं कुछ और ऐड कर सकता हूँ जहाँ जहाँ पे आपने ऐड करना है। तो ये ऐड होते हैं मल्टीपल ऐड के लिए हमारे पास यूज़ होते हैं। और दोबारा से मैं यहाँ पे क्विक लीडर पे दोबारा क्लिक करता हूँ, तो ओनली मैंने यहाँ पे लीडर पे क्लिक करना है और यहाँ से मैं इसके ऊपर डिस्कस करना है तो ये क्या है, तो इसको भी आप यहाँ से लिख लें, ये बिग सर्कल है, मैं फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूँ बिग, तो जो भी चीज़ आपने लिखनी है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है जी लीडर का। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेसन में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास जी उसके बाद है टॉलरेंस। टॉलरेंस का फंक्शन ये होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल आपने कोई सिंपल या इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग बनाई है, कोई भी ड्राइंग बनाई हुई है, आप उस ड्राइंग के बारे में कंप्लीट लिखना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं, कोई टेबल वगैरह बना के उसमें उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए ये चीज़ यूज़ करते हैं। तो ये आपको मिलेगा जी यहाँ पे, मैं सर्च करता हूँ कि कहाँ पे ये, तो ये आपको यहाँ पे एनुएट्स पे ही क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अपने फर्स्ट इस बटन पे क्लिक करना है, तो ये देखें टॉलरेंस लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको। अब इस टॉलरेंस के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं यहाँ पे जो भी चीज़ लिखूँगा, मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ अली, टैब प्रेस करेंगे नेक्स्ट सेल में चल जाएगा, उस्मान 1 2 1 4 1 1 फॉर्मेलिटी होती है, उमर अली 1 1 1 2 एंड 1 21 में लिख देता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे ये यह है
कि अगर आप चाहते हैं इसमें कोई सिंबल ना है, यहाँ पे देखें एनजेड डायमीटर सिंबल इनफ, आप चाहते हैं कि इसमें डायमीटर की तरह के कोई सिंबल आए या ना आए तो आप वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको सिंबल साथ में देना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको एक सिंबल यहाँ से ये दे देता हूँ, इसको साथ वाले को मैं कोई और सिंबल दे देता हूँ, तो यहाँ पे सिंबल भी दे सकते हैं आप। ओके करेंगे यहाँ पे, तो देखें मैं इस पर जस्ट क्लिक करूँगा तो देखें मेरे पास अली उस्मान और इसके बारे में यहाँ पे देखें कंप्लीट डिटेल लिखी हुई है। तो ये फंक्शन होता है जी टॉलरेंस का, देख सकते हैं आप। नेक्स्ट लेसन में हम इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारे पास टॉलरेंस के बाद नेक्स्ट है जी आपके पास सेंटर मार्क। तो सेंटर मार्क क्या होता है, सेंटर मार्क आपका होता है जी, मैं सर्कल लेता हूँ एक, इस सर्कल का सेंटर मार्क मुझे नहीं पता कौन सा सेंटर मार्क है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पे इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और जस्ट आपने क्लिक करना है तो आपको देखें सेंटर मार्क यहाँ पे मिल गया, ये देख सकते हैं। तो ये आपको सेंटर मार्क मिल गया, आप इसके ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद एक सेंटर मार्क है डायमेंशनल एडिट। डायमेंशनल एडिट जो होता है वो आप डी जब एंटर करते हैं, डी एंटर करते हैं डायमेंशनल स्टाइल यहाँ पे देखें ये सारे आ गए, ये डायमेंशनल एडिट होती है हमारे पास, देख सकते हैं। और यहाँ पे मॉडिफाई में जाके तो आपने यहाँ से डायमेंशंस चेंज करनी होती है, और ये सारे हमने मैंने आपको चीज़ बताई थी प्राइमरी में आपने जाके क्या करना है, तो ये डायमेंशन एडिट है। उसके अलावा डायमेंशन एडिट करने के लिए आप डायमेंशन एडिट मीन आपने डायमेंशन के ऊपर कुछ लिखना है तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि डायमेंशन एडिट का कोई ऑब्जेक्ट्स है मेरे पास, यहाँ पे तो नहीं है। अपडेट का फंक्शन है, डायमेंशन एडिट का ऑप्शन फंक्शन नहीं है जी, देख सकते हैं यहाँ पे नहीं है। तो ये होता है डायमेंशन एडिट मीन आपने डायमेंशन जो देनी है, आपने कौन सी डायमेंशन देनी है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। उसके अलावा एल एंटर करता हूँ मैं, डायमेंशन एडिट का एक और तरीका भी है, वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल इसमें एडिटिंग लाना एडिट करना चाह रहे हैं तो आप उसके लिए मैं इसको डायमेंशन देता हूँ सबसे पहले, तो मैं यहाँ पे लीनियर डायमेंशन देता हूँ, देखें 4 इंच हमारे पास दे रहे हैं यहाँ पे। साइज़ इसका मैं कम करना चाह रहा हूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, ओके। अब देखें इसका साइज़ कम हो गया, मैं साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा करना चाह रहा हूँ कि मुझे सही क्लियर नज़र आए, तो उसके लिए आप डिम स्केल यूज़ करते हो, DIM डिम स्केल, एंटर ना एंटर डिम स्केल 0, हमारे पास 0 फुट और 1 इंच है, तो मैं इसका डिम स्केल बढ़ाता हूँ, मैं चाहता हूँ ये 6 इंच आ जाए हमारे पास, 6 इंच एंटर करता हूँ। अब 6 इंच इसका स्केल तो आ गया लेकिन ये अपडेट नहीं हुआ, तो उसको अपडेट करने के लिए आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे, ये देखें अपडेट का बटन है होम टैब में, सॉरी एंड्रॉइड्स पे है, अपडेट का फंक्शन है, क्लिक करेंगे इस पर और अपनी डायमेंशन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करें तो देखें ये हमारे पास साइज़ का चेंज हो गया। तो ये भी इसका जो होता है एडिट होता है। टेक्स्ट एडिटिंग करना चाह रहे हैं तो उसकी टेक्स्ट एडिटिंग के लिए डबल क्लिक करें, यहाँ पे डबल क्लिक किया मैंने डायमेंशन के टेक्स्ट पे, और इसकी एडिटिंग करना है तो डबल क्लिक करें आप डायमेंशन के टेक्स्ट पे, देखिए मैं दोबारा आपको बताता हूँ, डबल क्लिक करता हूँ मैं तो मेरे पास एक प्रॉपर्टी ओपन हो गया, देख सकते हैं आप इसमें जाके मैं इसके टेक्स्ट में एडिटिंग कर सकता हूँ। एडिटिंग क्या है कि आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ाना है साइज़ बढ़ा सकते हैं, आप यहाँ पे इसे मैच करना चाह रहे हैं बोल्ड करना चाह रहे हैं टेक्स्ट बोल्ड हो सकता है, अंडरलाइन करते हैं अंडरलाइन हो जाएगा, और इसके अलावा ये सारे हैं, मैंने इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया था कंप्लीट मैंने, तो आप यहाँ से कंप्लीट जो है तो हमने जो टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस किया था टेक्स्ट में कंप्लीट ये मैंने रिबन्स आपको समझाया था कि इसका फंक्शन क्या है, इस पर काम किस तरह किया जाता है, तो आप उसको देखिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। उसके अलावा कलर आपने चेंज करना है तो आप डायमेंशन कलर चेंज कर सकते हो, देख सकते हैं। तो ये था जी डायमेंशन में टेक्स्ट को ऐड कैसे किया जाता है। डायमेंशन टेक्स्ट एडिट के बाद है अपडेट डायमेंशन, जो अभी अपडेट किया मैंने, और डायमेंशन स्टाइल वही है, डी एंटर करते हैं देखें डी जी में एंटर करता हूँ डायमेंशन स्टाइल आ गए यहाँ पे, देखें लिखा हुआ है डिम स्टाइल, देख सकते हैं एंटर करें तो आप यहाँ से डायमेंशन स्टाइल मॉडिफाई में जाके डायमेंशन के स्टाइल चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब डायमेंशन स्टाइल में क्या जी लाइन टाइप है, लाइन टाइप आप देखें डायमेंशन की लाइन आप चाहते हैं कौन सी हो जी लाइन, तो
उसके लिए आप लोड पे क्लिक करें। आप चाहते हैं जिसमें लाइन हो, डायमेंशन के लिए जो लाइन यूज की जाए वो ये वाली होनी चाहिए, बैटिंग। ओके करता हूँ मैं यहाँ पे। अब डायमेंशन के लिए बैटिंग वाली लाइन होगी यूज, और ओके कर दो यहाँ पे। और लाइन की वेट कितनी होनी चाहिए, तो आप यहाँ से लाइन वेट दे दें इसको। ओके करें ना यहाँ पे, सेट करें एंड क्लोज करें यहाँ पे। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ डायमेंशन को। देखें इसकी डायमेंशन की लाइन का स्टाइल भी चेंज हो गया, देख सकते हैं। तो ये डायमेंशन की लाइन अब हमेशा ऐसी रहेगी, तो ये डायमेंशन स्टाइल में इसकी वजह से हो गया। उसके बाद मॉडिफाई पे क्लिक करता हूँ। मॉडिफाई में दोबारा मैं इसको नॉर्मली करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से ज़ीरो करता हूँ और बाय लेयर करता हूँ इसको। इसको भी बाय लेयर करूँगा। ओके, कलर, टेक्स्ट का कलर, वो भी लाइन का टाइप, टेक्स्ट कलर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके करता हूँ मैं यहाँ को, सेट करें एंड क्लोज करता हूँ। अब दोबारा इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करके राइट क्लिक करता हूँ, देखिए अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ गए दोबारा। तो ये होते हैं जी इसके स्टाइल चेंज कर सकते हैं आप यहाँ से। तो ये था ही डायमेंशन के ऊपर डिस्कस किया हमने, और उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं कुछ नए नए टूल्स के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।